तनीषा शर्मा की मौत से पहले शजान मोहम्मद खान से हुई थी उसकी गंदी वाली बहस, दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। पुलिस ने बरामद किया सीसीटीवी फुटेज। अब मुंबई पुलिस ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने इस बयान में बताया कि तनीषा शर्मा और शजान मोहम्मद खान के बीच उस दिन बहस हुई थी और यह बहस एक्ट्रेस की आत्महत्या से ठीक 15 मिनट पहले हुई थी। मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में बरामद कर लिया है कि हाँ, इन दोनों की बहस बिल्कुल हुई थी। इसमें दोनों के बीच बहस होती हुई देखी जा सकती है। दोस्तों, इस बात की जानकारी मुंबई की पुलिस ने दी है। तो अब इस वीडियो से और पुलिस के बयान से साबित हो चुका है कि उस दिन दोनों के बीच बहुत गंदी वाली बहस हुई थी और बोला जा रहा है कि शान ने गुस्से में आगे उसको थप्पड़ भी मार दिया था, जिससे तनीषा का दिल टूट गया था और वह बिल्कुल ही पागल हो गई थी। और उसी पागलपन में 2 से लेकर 5 सेकंड के उस नेगेटिव थॉट में उन्होंने उस पागलपन में आके अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया। दोस्तों, जब से यह न्यूज आई है पूरा देश शोक के माहौल में है और अब यह नाटक भी बंद होने वाला है और इस नाटक से शजान को बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय गाइज।